जिले के ग्राम पंचायत बोनखेरी में 23 जीवित व्यक्तियों की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके नाम से कर्मकाल मंडल योजना के लाखों रुपए निकाल लिए गए, जबकि यह सभी 23 व्यक्ति जीवित है जिन्हें कागजों में मृत साबित कर दिया गया है। सभी 23 जीवित व्यक्तियों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले को लेकर सभी लोग चौराहे पुलिस थाना पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों की माने तो ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव एवं अधिकारियों की मिली भगत से 2019 से जीवित व्यक्ति को मृत साबित कर उनके नाम पर लाखों की राशि निकाली जा रही थी। इस तरह से शासन की राशि का महाघोटाला किया गया। सभी शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूरे प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध लगती है, क्योंकि एक ही ग्राम पंचायत में इतनी अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है और मृत्यु होने पर मिलने वाली 2 लाख की राशि कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। यह कैसे संभव हो सकता है कि राशि देने के पूर्व संबंधित विभाग पंचायत स्तर में जानकारी जुटाता है, पंचनामा तैयार करता है, तत्पश्चात शासन से प्राप्त राशि पीड़ित पक्ष के परिवार वालों को मिलती है, लेकिन यह सब अधिकारियों की जानकारी में ना होना संदेह पैदा करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर पर तत्काल संज्ञान लेते हुए छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने जिला कलेक्टर सौरभ सुमन को जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूरे जिले में इस योजना की जांच के आदेश दिए, ताकि यदि कोई और भी ग्राम में इस तरह का मामला हो तो पकड़ा जा सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो है नहीं है इस दुनिया में, तो जब मालूम हुआ मैंने रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आना चाह रहे आए हम लोग, तो बोले फिर बयान बयान बोल रहे हैं, बयान ले रहे हैं सब लोग के, तो हमें भाई ये कार्रवाई यहाँ से तक जाना चाहिए, तो भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। किस बात का न्याय मिलना भाई? जो हम मर गए हैं, हम कैसे मर गए? हम जिंदा हैं यहाँ पे, क्या हम मरे वाले क्या भूत बन के घूम रहे वैसे जिंदा? आपको कैसी जानकारी लगी कि आप लोग मृत हो गए हैं करके? पेपर द्वारा। क्या जानकारी लगी आपको? कि भाई लेखराम यादव जी मर गए। ऐसे कितने लोग हैं आपके गांव में? गांव में 23 लोग अभी ओपन हुए हैं। 23 लोग को मृत घोषित किया गया है कागजों में? हाँ जी। तो उसकी कुछ राशियाँ भी निकाली गई है? राशि सहायक सचिव है ऊपर तक माने उन लोगों ने निकाल चुके हैं। कितनी? वो 23 लोग के हिसाब से? 23 लोग के हिसाब से 46 लाख हो गए। और आपको जानकारी नहीं? नहीं जानकारी। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट।